व्हाट्सएप देश और दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला मैसेजिंग ऐप है। भारत देश में अगर बात की जाए तो 400 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स इस वक्त भारत देश में व्हाट्सएप ऐप के हैं। अब ऐसे में व्हाट्सएप हर दफा अपने फीचर्स में तब्दीली करता है ताकि अपने यूजर्स की सुविधाओं को और भी ज्यादा बढ़ा सके। इन्हीं में से एक सुविधा अपने यूजर्स के लिए हाल फिलहाल में ही व्हाट्सएप की तरफ से लाई गई थी, एंड टू एंड इंक्रिप्शन की। और इसी सुविधा को लेकर इस वक्त व्हाट्सएप दिल्ली हाईकोर्ट में सवालों के कटघरे में खड़ा है। आपको बता दें कि कोर्ट की तरफ से गोपनीयता के उल्लंघन के मामले में व्हाट्सएप से सवाल किए जा रहे हैं कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन की जो सुविधा अपने यूजर्स को व्हाट्सएप ने दी है उसे जल्द से जल्द हटा ले। लेकिन व्हाट्सएप का कहना है कि ये दो लोगों के बीच के चैट की गोपनीयता को बरकरार रखता है और ऐसे में इस सुविधा को हम नहीं हटाएंगे। अपने ऐसे फीचर्स के लिए ही व्हाट्सएप देश भर में इस्तेमाल होने वाला सबसे बड़ा मैसेजिंग ऐप है। जैसा कि अभी अभी हमने आपको बताया कि 400 मिलियन से भी ज्यादा लोग भारत देश में व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ऐसे में व्हाट्सएप लगातार कोर्ट से बातचीत कर रहा है। व्हाट्सएप की तरफ से जो वकील है वो अपनी दलीलों को पेश कर रहे हैं और उन्होंने इस दफा जब कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई तो ये कह दिया कि अगर एंड टू एंड इंक्रिप्शन फीचर्स को व्हाट्सएप को हटाना पड़े तो व्हाट्सएप अपनी सुविधा भारत देश से वापस ले लेगा। आपको बता दें कि कई संविधान के नियमों के अनुसार कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि ये गोपनीयता होनी चाहिए लेकिन उसका भी संतुलन जरूरी है। अब ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर अगली सुनवाई 14 अगस्त को होनी है। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है इस पूरे मामले को लेकर। फिलहाल सबके जहन में यही सवाल है कि क्या आने वाले वक्त में भारत देश से सबसे बड़ा मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप बंद हो जाएगा।